हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस के अंडर जो आपके रिक्रूटमेंट निकली है, जिसके अंडर आपकी पूरी की पूरी 2446 वैकेंसियां निकली हैं, जिसके अंडर आपकी सब इंस्पेक्टर और भी आपकी रिमेनिंग दो पोस्टें हैं। तो उसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक फोटो और सिग्नेचर को कैसे फ़ोन से ही रिसाइज करेंगे, और फ़ोन से कैसे कंप्लीट फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक फिलअप करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी एज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए होनी चाहिए, वो हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सभी वैकेंसीज के लिए, वो हमने पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप उस वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी कौन सी डेट तक वहां पे काउंट की जाएगी। तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगी वो हम यहां पे फ्रेंड्स से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब यहां पे शुरू करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना। तो फिर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, आज 22 अगस्त 2019 को इसका लिंक एक्टिवेट होना था ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो ऑनलाइन लिंक यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, और 25 सितंबर 2019 को आपकी लास्ट डेट रहेगी इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको इस लिंक पे प्रेस कर लेना, और अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, तो यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए थे उनको आप यहां पर डिटेल्ड में हिंदी में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना। तो यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। फोन से जब आप फिलअप करोगे तो आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में ये सारी प्रोसेस करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा है डेस्कटॉप साइट को आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे। जैसे आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपका पेज ओपन होकर आता है, ऐसे ही आपके मोबाइल में कंप्लीट पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए टोटल आपकी यहाँ पे 3 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है अच्छे तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले स्टेप के अंडर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करनी है, आपको नाम अपना फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली करनी है पेमेंट। तो पेमेंट में आपको यहाँ पे बता दूं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे 700 रुपीज़ फीस रहेगी, और जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी SC और ST हैं उनके यहाँ पे 400 रुपीज़ फीस रहेगी इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट जब आप स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, पेमेंट आप अपनी ऑनलाइन मोड से कहीं से भी दे सकते हैं। तो जब आप वहां पे पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टेप 2 आ जाता है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना शुरू होगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है, और फोटो और सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद आप वहां पर डायरेक्टली फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल फ्रेंड्स हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंडर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। स्टेप 1 के अंडर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट आपका क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, वो हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि कितनी आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। तो फीस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि फीस आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म आपका ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे अब आपको अपनी करनी है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले अपना नाम आप यहाँ पे अच्छे तरीके से डालेंगे, उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी अच्छे तरीके से डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस। तो मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आप सही से डालें, जिससे आपसे फर्दर भी कॉन्टैक्ट हो पाए, और अगर आप कभी इसकी डिटेल्स भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं, अगर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस सही डालेंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद दूसरे नंबर ये पूछ रहा है कि आपका बिहार स्टेट का स्टेट सब्जेक्ट यानी कि डोमिसाइल है। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका डोमिसाइल वहीं का होगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपने और भी अपने माइंड में रखने की, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपने जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे जर्नल जो है
चूज करेंगे। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे सब कुछ डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पे अपनी डालनी है, उसके बाद ये कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज आप यहां पे नो रहेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पे नो रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद अपनी पेमेंट आप अपने ऑनलाइन मोड से किसी भी से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। तो जो भी आप मोड यूज करते हैं वहां से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और जब आप यहां रजिस्ट्रेशन और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां पे अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म के अंडर स्टेप टू के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप वन के अंडर मैं दिखा देता हूं, जो स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको यहां पे अपना जो रेजिडेंशियल है वो आपका दूसरी स्टेट का, आप बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो उनको यहां पे अपनी जो कैटेगरी है वो यहां पे जर्नल जो है वो चूज करनी। यहां पे लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अ रेजिडेंट्स ऑफ बिहार स्टेट मस्ट सेलेक्ट द कैटेगरी, उनको जनरल कैटेगरी की अंडर उनको कंसिडर फ्रेंड्स किया जाएगा। तो जब आप यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेप टू के अंडर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के अंडर अपने कंप्लीट डिटेल्स को फिलअप करना है। यहाँ पे आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के अंडर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मोबाइल नंबर पे और आपकी मेल पे आपको रिसीव होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, या फिर आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद सही से रैप्चर डालने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट। उसके बाद आप अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और फोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके से आप वहाँ पे रिसाइज करेंगे। कैसे उसको रिसर्च करना है वो पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि फोटो और सिग्नेचर को आपने कैसे फ्रेंड से रिसाइज करना है। तो फोटो और सिग्नेचर को जब आप वहां पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि 25 KB आपने फोन से कैसे रिसाइज करना है, वहां से रिसाइज करने के बाद आप यहां पे अपलोड कर लेंगे और डायरेक्टली अपने फॉर्म को फ्रेंड्स वहां पे सबमिट कर लेंगे। और सबमिट करने से पहले आप सारी डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू वहां पे देख लेंगे, प्रीव्यू आपका वहां पे आ जाएगा। तो जब आप प्रीव्यू देके सारी इन्फॉर्मेशन को वहां पे सबमिट कर देते हो उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वहां पे ध्यान दें जब आप फाइनल सबमिट करें तो एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार फ्रेंड्स अच्छे तरीके से चेक आप कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा आपके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का। जब सबमिट कर देंगे प्रिंट आपको मिल जाएगा, वो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहेगी फॉर्म को फिलअप करने की वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली है। और अगर आपका फॉर्म आधा रह जाता है, नेटवर्क एरर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आप डायरेक्टली यहां पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं यहां पे स्टेप थ्री में जाके। तो स्टेप थ्री में जाने के बाद आपको यहां पे अपनी डायरेक्टली लॉगिन डिटेल्स फिलअप करनी है और उसके बाद आप अपना यहां पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है फीस सबमिट हो गई है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट हो गया तो आपके यहां पे कंप्लीट आप प्रोविजनली एक्सेप्टेड यहां पे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट आपकी प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल रहा है अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड में रखनी है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो। और अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल बिहार का स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो जब आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी ना तब आपको वो अपना डोमिसाइल आपका बिहार स्टेट का वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी आप यहां पे एक बार चूज कर लेंगे उसके बाद आपका यहां पे स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा कि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो। एक बार अगर आपने वहां पे यस या नो कर दिया वो आपका फाइनली वहां पे कंसीडर किया जाएगा। तो इस बात का आप यहां पे खास ध्यान रखेंगे, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप वहां पे यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप वहां पे नो करेंगे। और नो करने के बाद आपको वहां पे अपनी जो कैटेगरी है वो भी आपको फ्रेंड्स वहां पे जनरल कैटेगरी चूज करनी है, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंशियल ऑफ बिहार रहेंगे उनको एज अ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। वहां पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स ऑफ बिहार है उनको वहां पर अपनी जनरल कैटेगरी जो है वो चूज करनी है। डायरेक्टली मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अच्छे तरीके से आप इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप इसके रहेंगे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स से डिस्कस कर लिया है। तो पेमेंट, अगर आपको पेमेंट करते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी पेमेंट बीच में रुक जाती है या फिर आपके पैसे कट जाते हैं, आपके वहां पे शो नहीं करता कि पेमेंट हुई है नहीं हुई है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसका सलूशन भी मेरे पास है, उसका सलूशन भी मैं आपको विद प्रूफ फ्रेंड्स वीडियो के थ्रू, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगा अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम
आ रही होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।